चंद्रयान 3 की सफलता के लिए राष्ट्रवंदन समिति के द्वारा हवन यज्ञ व हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं इस संबंध में मीडिया से बात करते हुए नगर निगम के पूर्व उप सभापति जितेंद्र सैनी ने बताया कि हम लोग सुबह से ही चंद्रयान 3 की चांद पर सफल लैंडिंग के लिए भगवान विश्वकर्मा, भगवान हनुमान व 33 कोटि देवी देवताओं का हवन पूजन करके प्रार्थना कर रहे हैं और हनुमान चालीसा का जाप कर रहे हैं। यह हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है कि हम लोग जल्द ही चांद पर पहुंचने वाले हैं। पूरा देश भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि लैंडिंग सफलतापूर्वक हो जाए। इसके अलावा भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी जो भारतीय हैं वह भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारे वैज्ञानिकों की मेहनत सफल हो जाए, जो कि 4 सालों से लगातार कर रहे हैं और बहुत कम लागत में चांद पर पहुंच रहे हैं। सभी देशों की निगाह भारत पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नागरिक दुर्गेश त्रिपाठी ने कहा, आज पूरा भारतवर्ष गौरवान्वित महसूस कर रहा है। आज चंद्रयान तृतीय के रूप में भारतवर्ष की वर्षों की तपस्या सफल होने जा रही। आपने देखा होगा कि जितने कम समय में भारत के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान तृतीय का ये प्रोजेक्ट पूरा किया और आज वो लैंड होने वाला है। शाम के 6:04 पे वो चंद्रमा की सतह को छूने वाला है। प्रत्येक भारतीय को ऐसा लगा जैसे चंदा मामा दूर के नहीं रह गए, चंदा मामा नजदीक आ गए। आज इतना हर्ष उल्लास है कि शाम को यहाँ पे हम लोग चंद्रयान के उतरने के बाद यहाँ पे ढोल नगाड़ों के साथ और झंडा तिरंगा लेकर के पूरा उत्सव का माहौल बनाने वाले हैं और मिठाइयाँ बांटने वाले हैं। आज हम लोग सुबह उस पल के इंतजार में कि निर्विघ्न रूप से हो जाए, हमने सभी देवताओं का आह्वान किया, उनसे प्रार्थना की कि हे भगवान, हमारे चंद्रयान को जल्दी से लैंड हो करके एकदम सफलतापूर्वक लैंड हो। इसी के क्रम में हम लोग ने सुबह यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ किया और सुबह से जो है यज्ञ का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। दुर्गेश त्रिपाठी।